Hey guys, press the bell icon and never miss a video from New Tech Entertainment. तो मैं आज अपनी लाइफ की जर्नी जरूर आपसे शेयर करूंगा, बट इस जर्नी में क्या उतार चढ़ाव रहे, सब कुछ करने के लिए कहाँ था, दुनिया में करने के लिए था, घर परिवार में करने के लिए था, या अपने अंदर करने के लिए था। क्योंकि जब लॉकडाउन नहीं था तो सदा हमने बाहर की दुनिया में झांक के देखा, बाहर की अच्छाइयों को देखा, बाहर की बुराइयों को देखा, अपलाइन देखा, डाउनलाइन देखा, कंपनी देखी, इसको देखा, उसको देखा, सिर्फ एक चीज नहीं देखी, वो अपने आप को, खुद को नहीं देखा। कभी सेल्फ एनालिसिस करने का टाइम नहीं मिला। ये लॉकडाउन वरदान है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने जीवन को, जिस भी उम्र में आप यहाँ पर जो भी साथी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है किसी की उम्र 20 साल हो, किसी की 30 साल हो, किसी की 40 साल हो, किसी की 50 हो, 60 हो, 70 हो, रिटायरमेंट के बाद भी आज बहुत सारे चैलेंजेस हो, ये लॉकडाउन बहुत सारे लोगों के लिए ये वरदान है, बहुत सारों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और बहुत लोगों के लिए ये तकलीफ का विषय है। आज मैं इन सब चीजों पे आपसे जरूर चर्चा करूंगा। वो कौन लोग हैं जिनको ये लॉकडाउन पिकनिक की तरह लग रहा है, और वो कौन लोग हैं जिनको ये लॉकडाउन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि 1.5 महीने से ज्यादा हो चुका है, बच्चे पालने हैं, घर चलाना है, जीवन को जीना है, तो खाना पड़ेगा, और खाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसे से ही राशन मिले। तो ऐसा दिन आज हमारे पास अगर है, अगर आप खुशकिस्मत हो, इंजॉय कर रहे हो घर में, तो ये आपके कर्मों का फल है। आपने लॉकडाउन से पहले कई सालों तक मेहनत करी, परिश्रम किया है, गर्मी सर्दी बरसात लोगों के ताने सुने हैं, और अपने सपनों पर फोकस किया था, इसलिए आज आप घर पे बढ़िया तरीके से हैं। क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा जो है, ये पूरे विश्व में है, कोई आप अकेले के लिए नहीं, कोई मेरे लिए नहीं, ये सब के लिए है। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या छोटे, क्या बड़े, आज सब एक स्तर पर हैं। सबको खाने के लिए राशन चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए। करोड़ों अरबों के जहाज सड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी ऑडी BMW घर में पड़ी हैं, सबको घर में राशन की जरूरत है, और उस राशन के लिए जो एक अमाउंट चाहिए, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि 90% लोग हिंदुस्तान में आज ऐसे हैं कि 1.5 महीने भी वो सर्वाइव नहीं कर सके। और इसके लिए अगर आप किसी को दोषी समझते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं एक चीज जानता हूं कि हर कर्म के बदले, हर काम के बदले परिणाम मिलता है, और आज जो कुछ भी हमें अपने पुराने किए गए कामों के परिणाम के अनुसार आज हम यहाँ बैठे दोस्तों। आज मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। सालों भर अगर ये लॉकडाउन रहे तो खाने की कोई चिंता नहीं है, ये सब एक निर्णय की वजह से हो पाया था। लेकिन आज दुख होता है उन सभी साथियों को देख करके जिनसे इन्हें ये मौका कहीं ना कहीं किसी ना किसी के रूप में कभी जरूर मिला होगा, बट उन्होंने उस समय को नहीं पहचाना, वक्त को नहीं पहचाना, इसलिए वक्त भी कभी उनको नहीं पहचानता जो वक्त की पहचान नहीं करता। तो एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखने वाली है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि समय के साथ अगर आप चलना सीखें, चलना चाहें, तो उसके लिए किसी भी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं, किसी भी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमने अपना बचपन देखा था, तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें बचपन में हमारे माइंड में सेट कर दी गई थी कि अमीर बनने के लिए, रिच बनने के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए कुछ विशेष गुण चाहिए, विशेष क्वालिटी चाहिए। बिल्कुल गलत। एक लगन, एक सच्ची निष्ठा, एक सही संगत, एक सही वे की जरूरत होती है। उम्र का कोई भी पड़ाव हो, उम्र कोई मायने नहीं रखता। किसी भी उम्र में आके लोगों ने अपनी कहानियां लिखी हैं, बड़ी बड़ी कामयाबियां लिखी हैं दोस्तों। ये सब श्रेय जाता है इन बातों को जानने का, इस इंडस्ट्री को, वेस्टीज के बिजनेस को, कामयाब लोगों की संगत को, जो मैं आज आपसे बातें कर पा रहा हूँ। आप भी कामयाब होना चाहते हैं निश्चित रूप से, जितने भी लोग इस स्लाइड पे हैं और इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मुझे पक्का विश्वास है आप सभी सक्सेस होना चाहते हैं। लेकिन मैं उन योद्धाओं को कहना चाहता हूं जो अभी घर में बैठे हैं, पलंग में तकिया पीछे लगाए सहारा लिए बैठे हैं,
लेट गए हैं, बनियान बैठे हैं, मेरे भाई आप समाज, ये आज जमाना बदल गया है, आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही सेमिनार है। आप क्या सेमिनार में कभी कच्चे बनियान में गए? नहीं गए ना, तो आपको क्या लग रहा है कोई आपको देख नहीं रहा? सब देख रहे हैं क्या हरकतें आपकी हो रही। और आपको ये वीडियो बंद करना नहीं आता तो अगली बार आप सीख के इसे अटेंड करना, कहीं आपकी पिक्चर वायरल ना हो जाए, जमाना बोले कि लीडर तो ये बहुत बड़ा बनना चाहता है। तो मेरे भाई कुछ चीज़ें सीखने की आवश्यकता है, और आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ और आपको पुनः अपने जीवन में लेके चलना चाहूँगा। एक ही चीज़ चाहूँगा, जो जूम मीटिंग मैं कर रहा हूँ ये मुझे करनी नहीं आती थी, अभी मैंने महीने भर 15 दिन पहले सीखी है। तो कुछ भी सीखा जा सकता है, अपने आप को पहले बेहतर बनाइए तब आपका जीवन बेहतर बनेगा। बेहतर बनने की प्रक्रिया में सबसे पहली कड़ी है खुद को बेहतर बनाना। हर चीज सीखी जा सकती है, और मैंने एक चीज बताया, उम्र नहीं रोक सकती आपको सफल होने से, गरीबी अमीरी नहीं रोक सकती आपको सफल होने से, कहीं किसी गांव में रहते हो शहर में रहते हो वो नहीं रोक सकते आपको, कौन अपलाइन है कौन डाउनलाइन है ये आपको कभी नहीं रोक सकती। मैंने ये बातें इसलिए कही क्योंकि मैंने ये चीजें अपने जीवन काल में देखी हैं, और इसी पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। और आप सभी तैयार हो जाइए, मैं आपको स्लाइड के माध्यम से कुछ बातें करूंगा, और अंत में मीटिंग के अंत में मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहूंगा अगर समय बचेगा तो। मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा आपको वेस्टइज से पहले की जर्नी के बारे में, कि मैं वेस्टइज से पहले क्या था, कहां से बिलोंग करता हूं, क्या कैसे मुझे वेस्टइज में आना हुआ, आया तो मैं क्या क्या चैलेंजेस आए, जरूर आपसे शॉर्ट टाइम में शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों जैसे मेरे काबिल दोस्त ने बताया, मेरा नाम संतोष यादव है और मैं यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मम्मी डैडी पढ़े लिखे नहीं है, प्योर गांव से बिलोंग करता हूं। स्कूल की पढ़ाई मेरी गांव से हुई, 12th क्लास मैंने दिल्ली से करी और ग्रेजुएशन भी मैंने दिल्ली से करी कॉरेस्पॉन्डेंस से, और 12वीं के बाद ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। जॉब स्टार्ट करने का एकमात्र कारण ये था कि बचपन से एक प्रेरणा मिली थी कि अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे इंसान बनोगे तो अच्छा काम मिलेगा, अच्छी इज्जत मान सम्मान मिलेगा, अच्छे नंबर आएंगे तो ये होगा वो होगा, ये घर वालों ने बताया, टीचर ने बताया, बड़े बुजुर्गों ने बताया, जो भी सीनियर थे लाइफ में उन्होंने सब ने ये मुझे बताया कि ऐसा करने से ऐसा होगा, और उनकी बात मैंने मानी और मैंने अपने करियर की शुरुआत माय डियर फ्रेंड नौकरी से करी। 12-13 साल मैंने जॉब करी दिल्ली शहर के अंदर, तमाम जॉब करी, ये छोड़ी ये पकड़ी ये छोड़ी ये पकड़ी, जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती गई वैसे वैसे नौकरियां बदलता रहा, शादी हो गई, बच्चे हुए, खर्चे बढ़ने लगे, जरूरतें बढ़ने लगी, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रही थी। कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, कोई सही दिशा दिखाने वाला भी नहीं था। रोज सुबह उठना, जॉब पे जाना, अपना काम करना, घर आ जाना, घर में तनाव बढ़ना, आगे की सोच करके डर लगना, ये सब लाइफ में चल रहा था। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर कुछ भी जानकारी नहीं थी, कोई मेंबरशिप स्कीम कोई पैसे लगाने वाली बात किया करता था, लेकिन 2006 जनवरी को एक व्यक्ति के द्वारा मुझे एक सेमिनार में जाने का मौका मिला। जब मैं उस सेमिनार में गया तो वहाँ पर एक कामयाब इंसान पूर्ण रूप से एक इस बिजनेस के बारे में बता रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे और स्टेज पर थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आज भारत देश के अंदर एक ऐसी इंडस्ट्री आ गई है, एक ऐसा व्यापार आ गया है जहाँ पर आप चाहें तो अपने सपनों को महज थोड़े समय में पूरा कर सकते हैं, 5 साल में साकार कर सकते हैं। गरीब हो अमीर हो, पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा लिखा हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, गांव से हो शहर से हो, बस 5 साल चाहिए और आपका एक ड्रीम चाहिए, और अगर आपने डट के कर लिया तो डॉक्टर इंजीनियर लॉयर आईएएस पीसीएस ऐसी शानदार लाइफ हो जाएगी। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, लोग ताली बजा रहे थे, और वो वहां पर कोई भी क्राइटेरिया का व्यक्ति वहां जा सकता था, ऐसी ऐसी वो बातें कर रहे थे। सुनने में अच्छा जरूर लग रहा था लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था। दोस्तों एक चीज पर विश्वास किया, अगर ये झूठ भी हुआ तो कोशिश करने में क्या जाती है। तो मैंने 2006 में एक कंपनी को ज्वाइन किया, एक बाइनरी कंपनी थी, इंडियन कंपनी ही थी। उस कंपनी को ज्वाइन करके 6 से 7 साल मैंने उस कंपनी में काम किया, तन मन से काम किया, सीखा, अपनी नौकरी के साथ काम किया, नौकरी छोड़ दी, फुल टाइम आ गया, सपने देखने लगा, बड़ी बड़ी बातें करने लगा। 6-7 कब बीत गए पता ही नहीं चला, बच्चे बड़े होने लगे, मेरे को बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, 25 से 30 हज़ार रुपये तक की इनकम पे मैं पहुंचा, लेकिन सपने बड़े बड़े, बातें बड़ी बड़ी, उम्मीदें बड़ी बड़ी। वो दिन भी आया जब घर के लोग कहने लगे बातें बड़ी बड़ी करते रहोगे कि कुछ मिलेगा भी। ये बातें सुनने को मिलती थी लेकिन लगता था आज नहीं तो कल कुछ होगा।
तब भी इस कोशिश में लगे रहते थे, कुछ अपनी मन की करते थे, कुछ अपलाइन के मन की करते थे, कुछ सिस्टम सीख के करते थे, कुछ अपना बना लेते थे। बचपना था, पहली बार कंपनी करी थी तो आइडियाज आते थे तो इम्प्लीमेंट भी करते थे। कई बार लगता था सीनियर से ज़्यादा मुझे ही आता है। ये सब समय चलता गया, अचानक वो कंपनी 2011 में कुछ दिन के लिए वाइंड अप हो गई। जब वो वाइंड अप हो गई और मैं सफल नहीं हुआ तो मन में एक चीज़ और आ गई कि इस इंडस्ट्री में सब लोग नहीं सफल हो सकते, जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो सफल हो सकते। बैकअप चाहिए, पैसा चाहिए, घर का खर्च चलाने के लिए चाहिए, ऐसे विचार मन में आए और मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली और LIC का एडवाइजर बन गया। पूर्ण रूप से नौकरी करने लगा, LIC करने लगा। 8-9 महीने में LIC में पूर्ण रूप से काम किया, नौकरी पे काम किया। जब मैंने LIC और नौकरी का काम किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि अब मेरे सपने मर गए। उस कंपनी में था तो शायद मेरे सपने तो बड़े थे, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। मैंने दोबारा उस तरफ मूव करने की बिल्कुल नहीं सोची और अचानक 23 अप्रैल 2012 को मुझे एक व्यक्ति मिले, उनका सधन्यवाद कि उन्होंने मुझे वेस्टीज के बारे में बताया और मैंने बिल्कुल नहीं सुना। वो बताते गए, मैंने बिल्कुल नहीं सुना। उन्होंने कहा अब ऐसी कंपनी आ गई है जिसमें पैसे नहीं लगते, CNT मीटिंग में पैसे नहीं लगते, यहाँ बहुत सारे लोग कामयाब हैं, बट मैंने सुनना गवारा नहीं समझा। एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन दोस्तों जब मैं घर पे गया तो मुझे फिर से रियलाइज हुआ कि जब मैं पुरानी कंपनी में था तो मैं सुबह उठता था बहुत एक्साइटेड होता था, किसी से हाथ मिलाता था मेरे अंदर एनर्जी होती थी, एक होप होती थी कि आज नहीं तो कल मेरे पास गाड़ी होगी, घर होगा, बैंक बैलेंस होगा, मेरे बच्चे अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, माँ बाप को अच्छी लाइफ दूंगा, ये सोच के मैं सुबह घर से निकलता था। लेकिन अब जब मैं नौकरी और इंश्योरेंस का काम करता हूँ तो ये मेरे सपने नहीं होते। सिर्फ सुबह जाना है, रात को आना है, खाना है, सो जाना है, सुबह जाना है, फिर आना है, खाना है, सो जाना है, जिंदगी में कोई एक्साइट। मन में एक बात आई, जब मैं खाना अपने लिए खाता हूँ पेट मेरा भरता है, पानी मैं पीता हूँ पेट मेरा भरता है, प्यास मेरी बुझती है, तो मेरे सपने का कोई और पूरे करेगा? पर क्या दुनिया में कभी कोई फेल नहीं हुआ? जो लोग सफल हैं क्या वो एक ही बार में सफल हो गए? और मैंने ये सोच करके दोस्तों मैंने 23 अप्रैल 2012 को वेस्टीज की पुनः शुरुआत कर दी, ये मान के कि अब मेरा कोई साथ नहीं देगा। उस समय सबसे बड़ा चैलेंज मेरे पास ये था उस टाइम पर कि मेरे पास एक तो बैड एक्सपीरियंस था, मैं उस कंपनी में कोई बड़ा अचीवर नहीं था कि मेरे पास बहुत कोई बड़ा नेटवर्क था। मैंने जीरो से इस काम की शुरुआत करी, नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कर्जा मेरे गले तक था, कोई टाइम बिल्कुल नहीं था क्योंकि दो दो काम ऑलरेडी मैं करता था। सपोर्ट के नाम पे दोस्त, रिश्तेदार, भाई, बंधु कोई मेरे पास नहीं था कि कोई मुझे जरा भी सहयोग कर सके, मेरी फैमिली की देख रेख कर सके, एक महीने का राशन भी भरा सके, टोटली हेल्पलेस था। इस इंडस्ट्री के नाते मुझे घर से भी बाहर होना पड़ा, मजदूरी लेबर का भी काम करना पड़ा। लेकिन उस वक्त मुझे किसने सपोर्ट किया, वो एक चीज थी, वो था मेरा ड्रीम, वो था मेरा 7 साल का नेटवर्क इंडस्ट्री में बार बार मीटिंग सेमिनार अटेंड करना, जहां पर एक चीज सिखाई जाती थी कि सफल लोग कई बार विफल हुए हैं लेकिन जिसने कोशिश करनी बंद कर दी वो उस दिन असफल है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक डबल दूसरी इनिंग खेली जाए, फिर से शुरू किया जाए, क्या फर्क पड़ता है कि कौन क्या कहता है। जब किसी के कहने पर मैं क्राउन नहीं बन सकता, किसी के कहने पर मेरी गाड़ी नहीं आ सकती, किसी के कहने से मैं UCT नहीं बन सकता, तो यार किसी के कहने से मैं फेल कैसे हो सकता। तो मैंने दोस्तों अपनी कमियों पर फोकस ना करने के बजाय अपने ड्रीम पर फोकस करना शुरू किया। एक चीज क्लियर हो गई कि मेरे सोने से मेरी नींद पूरी होगी, मेरे खाने से मेरा पेट भरेगा, तो मेरे काम करने से मेरा ड्रीम पूरा होगा। और मैंने बिना किसी के सलाह किए फिर से अपनी सेकेंड इनिंग की शुरुआत करी और अपने आप से एक कमिटमेंट किया कि अगले 5 साल अब वो गलती नहीं करूंगा जो मैंने पिछली कंपनी में करी थी। क्या करी थी? सुनता सबकी था, करता अपने मन की था। कोई भी काम समय पे ना करने की आदत, किसी भी व्यक्ति को अपना ग्रेटफुल अपलाइन ना समझना, सबसे उत्तम अपने आप को मानना, ये सब छोटी छोटी गलतियां थी। सिस्टम फॉलो ना करना, शायद इसी वजह से मैं वहां ज्यादा विफल हो गया। और इस बार मैंने कमिटमेंट किया कि इसमें सिस्टम भी फॉलो करूंगा, एक रोल मॉडल भी बनाऊंगा अपने लिए और उस कामयाब व्यक्ति की तरह मैं काम भी करूंगा। और आज के बाद मेरे अंदर कितनी कमी है इस पर ध्यान ना दे करके मैं ध्यान दूंगा कि अपने आप को मैं कैसे बेहतर बना सकूं। दोस्तों ये वेस्टीज के टाइम की लुक है, जो कर्जों से हालत ऐसी हो गई थी, हालत इतनी खराब थी कि मैं चाहता तो ये सोच सकता था मैं देखने में अच्छा नहीं हूं,
मैं बोलता अच्छा नहीं हूँ, मेरे को कभी स्टेज पे बोलने का मौका नहीं मिला, मुझे तो प्लान दिखाना नहीं आता, मुझे तो ये करना नहीं आता, वो करना नहीं आता, लेकिन इस बार मैंने ये नहीं सोचा, इस बार मैंने सोचा कि मैं जैसा भी हूँ बेहतर हूँ, इसको बेहतर बनाऊंगा, अच्छा करूंगा और लगातार मैं काम करूंगा और अपने आप को अपग्रेड करूंगा, जो सिस्टम कहेगा वो काम करूंगा। वेस्टीज ने कहा प्रोडक्ट खाइए, मैंने प्रोडक्ट खाया। सिस्टम ने कहा ट्रेनिंग मीटिंग में आइए, सीखिए, डुप्लीकेट करिए, एक्शन लीजिए, तो मैंने जो सीखा उसको एक्शन भी किया, इंप्लीमेंट भी किया। खाली मैंने डायरी में नोट्स नहीं बनाए, खाली मैंने लिख नहीं लिया सब कुछ, जो कुछ भी मैंने सीखा वो सारी चीजें मैंने इंप्लीमेंट करी और अपने लोगों को सिखाई, और जो सीखता था मैं उसे बार बार करता था, कई बार गलती होती थी लेकिन करता गया। इसके बदले क्या हुआ, प्रोडक्ट ने तो मुझे ऐसा बना दिया देखने में, और एजुकेशन ने मुझे एक जिम्मेदार डिस्ट्रीब्यूटर, एक जिम्मेदार लीडर बना दिया। अपनी प्रायोरिटी भी मैं समझने लगा, अपनी जिम्मेदारियां भी समझने लगा, अपने नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझने लगा, और नेटवर्क में कामयाबी आने से मुझे क्या मिलने वाला है ये भी मैं समझने लगा। लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे अंदर क्वालिटी वाली चीज़ नहीं थी, ये मैं समझने लगा कि मैं बेहतर बनूंगा तभी नेटवर्क बेहतर बनाऊंगा, मेरे नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा तो ही मैं उनको आगे बढ़ा पाऊंगा। अब ये मुझे सीखना था, तो मैंने अपने आप को लर्न कराना सिखाया और बेहतर बनाने की कोशिश करी, तमाम मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स का हिस्सा बना, नोट्स बनाए, प्रैक्टिस करे, और देखते ही देखते माय डियर फ्रेंड मेरी लुक बाहरी दुनिया में ऐसी ही हो गई, और अंदरूनी दुनिया में मैं जो सीखता गया, अपने आप को तो सिखाता गया, हिंदुस्तान में किसी ने मुझे अगर कहा तो मैंने कभी भी कोई पार्शलिटी नहीं करी, और आज भी मैं पूर्ण रूप से किसी के लिए भी काम करता रहता हूँ। और ये चीज़ें सबको मैं निवेदन करूँगा कि ऐसा सबको करना चाहिए, कि फाइनली हम एक इंडस्ट्री में हैं, एक कंपनी में हैं, और इसी कल्चर ने शायद इतनी सफलता मुझे दिलाई है। 19 रुपए से मेरा ये सफर शुरू हुआ। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि इस इंडस्ट्री में शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना है, नहीं, इसको शुरू करना इतना आसान है, इसलिए सफल होना बहुत आसान है। शायद इसमें कुछ पैसे लग रहे होते तो मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आ पाता, शायद इस बिजनेस के अंदर कोई ऐसी चीज होती जिसकी वजह से मैं एंटर ही नहीं कर पाता, तो मैं इस बिजनेस में आया, केवल एक दुकान बदली, 670-680 रुपए का सामान लिया, 19 रुपए का मेरा एक छोटा सा अमाउंट बना, उस अमाउंट ने मुझे एक्साइटेड किया कि अगर मुझे 19 रुपए आए तो लोगों को लाखों रुपए आते होंगे, और इनको लाखों आते हैं क्योंकि ये काम करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, एक्साइटेड हैं और ये काम करने लगे। और दोस्तों उसी तरीके से मैं काम करने लगा, दुकान बदली, अपनी सोच बदली, अच्छी संगत को पकड़ा, और पहले साल के अंदर 12-13 के अंदर मेरी इनकम 297,000 हो गई वेस्टीज से। अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई, मैं बहुत खुश हो गया, बड़ा मजा आने लगा, नौकरी छोड़ दी, LIC बंद कर दी। अब एक चीज पता लगी कि टीम को भी कामयाब बनाना है, तो मैं और सीखने लगा, लोगों के साथ मिलजुल के काम करने लगा। 3 लाख की इनकम 13-14 में 14 लाख पहुंच गई, मैं और अपने आप को अपग्रेड करने लगा, 14 लाख की इनकम 14-15 में 25 लाख पहुंच गई, मैं और अपनी टीम के साथ होम मीटिंग करने लगा, काउंसलिंग मीटिंग करने लगा, TTT प्रोग्राम करने लगा, LDP प्रोग्राम करने लगा, वो इनकम 15-16 के अंदर 40 लाख पहुंच गई। अब लोग भी अपने काम को अंजाम देने लगे, मैं बीच बीच में उनको देखने, उनको बताने जाने लगा, और देखते देखते ही 16-17 के अंदर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली और ये इनकम 58 लाख रुपये। दोस्तों मैं 5 साल के अंदर करोड़पति बन गया, 1,41,00,000 की इनकम हुई। मुझे अपने ऊपर प्राउड होने लगा, अपने फैसले पे प्राउड होने लगा, ना कि मुझे। दोस्तों जिन दोस्तों ने मुझे नकारा था, जिस रिश्तेदारों ने मुझे मना किया था, उनके अंदर भी आत्मविश्वास आने लगा। वो काफ़ी लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि नहीं यार, अगर सही से सिस्टम मिल जाए और सही से सीख के काम किया जाए तो सफल हुआ जा सकता है। कुछ पुराने साथी मित्र मेरे साथ आने लगे, उन्होंने जिम्मेदारी ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली काम करने की, और वो काम करने लगे, वो भी सफल होने लगे। अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई, वो जिम्मेदारी ये कि इनकी सफलता मेरी जिम्मेदारी है, इनको मेरे ऊपर कुछ उम्मीदें हैं, ये मुझ पर कुछ भरोसा करते हैं। तो मुझे हर क्षेत्र में अपने आप को अपग्रेड करना पड़ा, और करके मैं अपने लोगों के बीच में रह करके उनको आगे बढ़ाने के लिए हर वो संभव कार्य करने लगा जो मैं कर सकता था। और देखते देखते ही लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां ली, लोगों के चेक साइज बड़े बड़े, गाड़ियां बड़ी बड़ी, बड़े बड़े सेमिनार पर्सनल उनके होने लगे, और ये देख मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और मैंने नेक्स्ट स्टेप पर जाके अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चालू किया, कई लाख रुपए मैंने अपने आप को अपग्रेड करने पे लगाए, कई मीटिंग, कई सेमिनार, कई वर्कशॉप, कई आउट ऑफ वेस्टीज भी जाकर के कई प्रकार की एजुकेशन सिस्टम को लेना पड़ा, जिससे कि मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज और देश के लिए कुछ बेहतर सोच सकूँ।
और दोस्तों देखिए 5 साल में 1,41,00,000 इनकम, वहीं पर अप्रैल 2017-18 की इनकम 82,00,000 और 18-19 की इनकम 1,17,00,000। अब ये इनकम में दोनों को डिफरेंस क्यों बता रहा हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क इंडस्ट्री की बेसिकली पावर क्या है, वेस्टीज की पावर क्या है। आप देखिए 5 साल में 1,41,00,000 और 2 साल के अंदर उससे 1.5 गुना ज्यादा, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग वर्किंग रिजल्ट, इसको कहते हैं टाइम फ्रीडम, कि आपने जो काम कुछ समय तक निरंतर किया उसके बदले ताजीवन या ताउम्र आपको परिणाम के रूप में मिलते रहे। ये ताकत मेरी नहीं है, ये ताकत सिस्टम की, ये ताकत नेटवर्क की है। और सबसे मजे की चीज, ये ओपन है सबके लिए, आपके लिए, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, रिटायर्ड पर्सन के लिए, हाउसवाइफ के लिए, स्टूडेंट, एवरीबॉडी, कोई भी इसको स्टार्ट कर सकते। अब स्टार्ट कौन कर पाएगा, जिसको जीवन के जीने का कोई मकसद होगा, कोई ड्रीम होगा। अब जिसका ड्रीम नहीं होगा तो उसके पास निश्चित रूप से एक बहाना होगा, बहाना ढूंढने थोड़ी जाना पड़ता है, बहाना बनाना नहीं पड़ता। जिस खेत में कोई भी फसल नहीं बोई जाती, घास फूस अपने आप उग जाती है, उसके लिए बीज आरोपण नहीं करना पड़ता, उसकी सिंचाई नहीं करनी पड़ती, उसे पानी नहीं देना पड़ता, उसको किसान को देखभाल नहीं करनी पड़ती, वो बाय डिफॉल्ट उग जाती है। तो जरा अपने आप को चेक करिए, क्या आपके पास कोई ड्रीम है इस तरह का, करोड़पति 5 साल में बनने का? अगर है तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ये इनकम मेरी आई, ये मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है, बहुत प्राउड होता है। बट मजा तब आता है जब मेरी टीम के लोग, इंटायर वेस्टीज के लोग आए दिन अपनी कामयाबी का श्रेय वेस्टीज को देते हैं, अपने अपलाइन को देते हैं, सिस्टम को देते हैं। और सच भी यही है, और आपको ये करना चाहिए, क्योंकि आपका घर आपका है, आपका परिवार आपका है, आपके माँ बाप आपके हैं, आपकी जिम्मेदारी आपकी है। ये जिम्मेदारी इस दुनिया में किसी और की नहीं। जिस दिन इस चीज का आपको एहसास हो जाएगा, उस दिन आपको समस्या बिल्कुल दिखेगी नहीं, आपको दूरदृष्टता से आपको अपना लक्ष्य दिखने लगेगा। जो मित्रगण मेरे को पहली बार सुन रहे हैं, ये मेरी बातें पहली बार सुन रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में मोटिवेशन पे दुनिया चलती है, तो मैं आपको आज मोटिवेट, मैंने पहले कहा कि नहीं करना चाहूंगा, ये मेरा फॉर्म 26AS है जो भारत सरकार ने दिया है, ऊपर गायत्री देवी नाम लिखा है, वो मेरी धर्म पत्नी का नाम है जिनके नाम से मैं व्यापार करता हूँ। क्योंकि पत्नी के नाम से व्यापार करने का एक फायदा यह होता है कि आप निडर होकर जिंदगी जी सकते हैं, ये बड़े कमाल की चीज होती है। आपको कभी कोई टेंशन हाँ जी, हाँ जी, महेश जी को बहुत बहुत बधाई, और उनकी चेहरे की मुस्कान अलग होती है। तो मैडम के नाम से है, ये मेरा पैन कार्ड नंबर है, 1,17,60,000 की इनकम है पिछले साल की, और संतोष यादव वेस्टीज के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं करता, ये प्योर और टोटल इनकम वेस्टीज से है। तो जो साथी यहाँ पर पहली बार सुन रहे हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, IAS, PCS, जो भी आपके सलाहकार हैं कि इस जीवन के जीने का महत्व आपको समझाते हैं लेकिन जीवन में खुद कुछ नहीं करते, उनको आप दिखा करके किसी भी इंडिया के टॉप मोस्ट CA से आप ये चेक करा लेना। और अगर आपको बिलीव हो जाए तो दुनिया में केवल 2 लोगों की सुनना, ये नोट कर लेना, बात बहुत काम की बात है, केवल जिंदगी में 2 लोगों की सुनना, एक जो अपने जीवन में बहुत सफल है, एक वो जो जीवन में सफलता की कोशिश में फेल हो चुका है, तीसरा किसी व्यक्ति की मत सुनना। जो सफल हो चुका है वो आपको सफल होने के गुण बताएगा, अप्रिशिएट करेगा, लेकिन जिसने सफल होने की बहुत कोशिश करी विफल हो गया, वो आपको ये बताएगा कि बेटा ये काम मत करना वरना आप विफल हो जाओगे, वो भी आपको गुण बताएगा सफल। ये अड़ोसी पड़ोसी चंटू चूरन जिनकी मर्जी सलाह लेने लगते हो यार, ऐसे सलाहकार तो आपको जीवन में कभी भी बाहर नहीं जाने देंगे। हमारे दोस्तों में, हमारे रिलेटिव में, हमारे पड़ोसियों में कितने ऐसे लोग हैं जो करोड़पति हैं, जो लग्जरी कार चलाते हैं, शानदार घर में रहते हैं, आज लॉकडाउन में मजे ले रहे हैं, ढूंढिए उनमें से कोई मिल जाए तो उनकी सलाह ले लेना, और जैसे ही फोन करो वैसे ही रोना शुरू कर दे, एक चीज समझ लेना आप सही संगत में हो, चाहे वो आपको सड़क पे मिला व्यक्ति क्यों ना हो, आपका अपना ही, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अपनी लाइफ में चेंजेस आएगा। दोस्तों साइकिल मोटरसाइकिल से इस जर्नी की शुरुआत करी थी, आज हम जितने सदस्य हैं घर में उतनी गाड़ियां हैं, लग्जरी कारें, लग्जरी कार होना इंपॉर्टेंट नहीं है, कारें होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी EMI की टेंशन नहीं है।
इंपॉर्टेंट ये है कि इसके डीजल पेट्रोल की चिंता नहीं, लोन फ्री लाइफ जीने का मौका देता है ये सिस्टम 5 साल में। ये मेरा घर है, ये जो लाल रंग की बिल्डिंग देख रहे हैं ये मेरा क्लब हाउस है, ये मेरी सोसाइटी है जिसके अंदर मैं रहता हूँ। इसमें हर वो सुविधा उपलब्ध है जो किसी भी रिचेस्ट पर्सन के घर में होती है, किसी भी सेलिब्रिटी के घर में होती है। ये सब वेस्टीज की बदौलत हुआ, 5 साल अपने मन की सुनने की वजह से हुआ। ये नीचे जो मॉल देख रहे हैं इसके अंदर मेरी एक एसेट्स है जो मेरी एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है जो मुझे रेंट के रूप में इनकम देती है। इसके अलावा भी कई इस प्रकार की एसेट्स हैं जो आपको स्ट्रांग बनाती है। इसीलिए कहा जाता है वेस्टीज लाख दो चार लाख रुपए कमाने का बिजनेस नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये एसेट क्रिएट करने का बिजनेस है जिससे आप अपने आने वाले जीवन को बेहतर बना सके। ये परिस्थितियां आज है, क्या गारंटी है दोबारा नहीं होंगी, फिर होंगी तो फिर क्या करेंगे। इसलिए इस लॉकडाउन से कुछ सीखिए और अपने अंदर उस क्वालिटी को जगाइए जो आपके अंदर दबी बैठी है, डरी बैठी है, उसको अपने आप को बाहर लेके आइए। मैं दिल्ली में मैंने अपना पूरा जीवन बिता दिया माय डियर फ्रेंड, मैं दिल्ली शहर नहीं घूम सका था लेकिन वेस्टीज ने पूरी दुनिया घुमाने का काम कर दिया। वेस्टीज के ट्रैवल फंड से इतनी सारी कंट्री जो मैंने लिखा है आपके साथ है, और इन सभी कंट्रियों में लगभग हमारे सारे मित्र लोग जब साथ में रहते हैं तो जीवन में जो एक काम करते हैं, जो मेहनत गर्मी सर्दी सहते हैं, विदेशों में जाके वो पसीना सुखाने का बड़ा मजा आता है। हम इंजॉय करते हैं एक साथ, इंटरटेन करते हैं एक साथ, इन देशों में हम लोग घूमने गए, इंजॉय करने गए, कोई ट्रेनिंग या सेमिनार करने नहीं गए। ये मौका देता है ये सिस्टम वेस्टीज बिजनेस। सपने आपके हैं, फैसले आप ही को करने होंगे। ये मेरे सपने पूरे हुए क्योंकि मैंने फैसला किया, मैंने खाना खाया, मेरा पेट भर गया। आपको अपने हिस्से का खाना खाना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ आप अगर ये समझते हैं कि मैं अपने आप कामयाब हो गया, मेरे अंदर बड़ी खास क्वालिटी की थी, गुण थे, तो आप गलत सोचते हैं। दोस्तों मैं वही संतोष यादव हूं जो 7 साल पहले था, आज भी वही हूं, उसी गांव उसी शहर वही माता पिता वही पढ़ाई लिखाई वही डिग्री सब कुछ। बट इस कामयाबी में सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरे एलओएस को जिन्होंने मुझे वेस्टीज बिजनेस की शुरुआत कराई। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में बहुत सारे कामयाब लोग मेरे जीवन में हैं, मेरे अप्लायंस में आते हैं। सबसे बड़ा रोल जो मेरी जिंदगी में रहा वो रहा मिस्टर सिद्धार्थ सिंह का। सिद्धार्थ सिंह मुझे एक अनजान व्यक्ति के रूप में इस बिजनेस में मिले, अप्लाइन के रूप में मिले, रोल मॉडल के रूप में मिले, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। कैसे एक बड़ी कामयाबी तक जाया जा सकता है, कैसे बड़ी जिम्मेदारी को लिया जा सकता है, मैंने उनके अंदर सभी खूबियों को चुराने की कोशिश करी और उनको कॉपी करा, डुप्लीकेट किया। इस दुनिया में हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण है, जितने भी आप हैं मैं हूं, बहुत सारे लोगों में बहुत क्वालिटी है, लेकिन इंसान इंसान है, भगवान नहीं हो सकता, ना था ना है ना कभी होगा। तो आप किसी भी व्यक्ति से बढ़िया क्वालिटी की चीजें चुराइए, अपने अंदर एंटर करिए, बढ़िया काम करिए, अपने और अपने परिवार और अपने समाज और देश में अपना नाम रोशन करिए। आप स्वतंत्र हैं कुछ भी काम करने को, किसी की कोई भी क्वालिटी अपने अंदर ढालने को स्वतंत्र है पूर्ण रूप से। इस दुनिया में अगर आपका कोई बॉस है तो आप स्वयं हैं। तो मैं सभी अप्लायंस का धन्यवाद देना चाहता हूं जितने भी मेरे जीवन में आए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में कोई भी व्यक्ति हो, सब तरीके से ये मित्र हैं, चाहे वो आशीष जी हो, चाहे महेश जी हो, चाहे प्रीतम जी हो, और बहुत सारे साथी आज मुझे सुन रहे हों जिनसे मैं बहुत बार मिला होऊंगा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा होगा, आप लोग मुझसे मिलते होंगे, आप लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो आप सभी का धन्यवाद। मेरी लवली टीम, जी हाँ मेरी टीम में बहुत तरह के लोग आए, अच्छे लोग आए, मुझे अच्छा कहने वाले आए, खराब कहने वाले लोग भी आए, थोड़े दिन काम करने वाले आए, छोड़ के जाने वाले आए, रातों रात अमीर बनने वाले आए, लेकिन ऐसे लोग भी आए जिनके ड्रीम थे, जो रिस्पेक्ट कमाना चाहते थे, मान सम्मान कमाना चाहते थे, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते थे, उनके साथ मैंने काम किया। दो तरह के लोग आपके टीम पार्टनर होते हैं, एक वो जो खाली शिकायत करते हैं, एक वो जो शिकायत के साथ अपना ड्रीम भी आपको बताते हैं। मैंने हमेशा उन लोगों का चुनाव किया जिन्होंने शिकायत के साथ अपने सपने भी बताए। शिकायत हमारी भी होती थी, होती हैं, लेकिन विजन क्लियर है कि मुझे सफल होना है, तो आपको ये चुनाव करने का मौका है। वेस्टीज मैनेजमेंट, मैं इसे पूर्ण रूप से खुले विचारों से कह सकता हूं कि पूरे इंडिया के अंदर वेस्टीज मैनेजमेंट का ना कोई तोड़ था ना है ना रहेगा। इतनी डाउन टू अर्थ, 5% लोगों के लिए भी वही सोच, एम्बेसडर के लिए भी वही सोच,
रातों दिन ये सोच रखना कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर की कामयाबी कैसे आएगी, क्या क्या कर दिया जाए जिससे आसानी से अपने बड़ी इनकम तक पहुंच सके, आपके लिए नए नए प्रोडक्ट लाना, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना, गवर्नमेंट के सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करना, आप तक कोई पेन ना आए, ये पेन वो खुद लेते हैं, ये कंपनी का काम है जो कंपनी भरपूर मात्रा में करती है। अब फैसला ये लेना था कि कंपनी तो सब कुछ करती है, हम खुद क्या करते हैं अपने लिए, अपने नेटवर्क के लिए। जितना पेन हमारी कंपनी लेती है, मेरा ऐसा मानना है, मेरे दिल से ये आवाज निकल रही है कि इतना तो हम अपने नेटवर्क की चिंता नहीं करते जितना कंपनी हमारे नेटवर्क की चिंता करती है। और एक लीडर के नाते हम सब का कर्तव्य बनता है माय डियर फ्रेंड कि हम सही दिशा में जाएं। तुलना तो उसकी की जाती है यार जिसका कोई तुलनात्मक हो। मुझे कोई दुनिया का लीडर आके बताए नेटवर्किंग के नाम पर इंडिया में 500 से ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनियां होंगी भारत सरकार के पास। मुझे एक कंपनी का व्यक्ति आके, एक लीडर बताए कि वो जब अपने कंपनी का प्लान बताता है तो वेस्टीज की चर्चा नहीं करता। अगर वो एक घंटे प्लान बताता है अपनी कंपनी का तो 20 मिनट चर्चा अपनी कंपनी की करता है और 40 मिनट की चर्चा तो केवल वेस्टीज की करता है, वेस्टीज के लीडरों की करता है, वेस्टीज की अचीवमेंट की करता है, वेस्टीज के सेमिनार्स की करता है, वेस्टीज की लीडर्स की करता है, वेस्टीज के कार बुक की करता है, वेस्टीज के प्लान की करता है, वेस्टीज के प्रोडक्ट की करता है। आप कंपेयर या कंपैरिजन बिल्कुल ना किया करें, चर्चा नहीं करना, कंपटीशन उससे, कंपैरिजन उससे। मैं ये विषय इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे नव युवक भाई जो नए तरीके से नेटवर्क इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आज कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है और एक नए आदमी को पीली वस्तु सोना नजर आती है और हर पीली चीज सोना नहीं होती, ये पुराणों से कहावत चली आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वेस्टीज दुनिया में उत्तम है, ये बात मैं कह रहा हूं अपने लिए। आपको चुनाव करने का अधिकार है, ये बिजनेस है माय डियर फ्रेंड करियर के हिसाब से चुनने का। बार बार आप इस इंडस्ट्री को अगर बदलते हैं तो आपका नाम खराब होता है, आपके माँ बाप का नाम खराब होता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा खराब होती है, कभी कंपनी की प्रतिष्ठा खराब नहीं होती। चुनाव करते वक्त खूब सोचिए क्यों आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो हमारा मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, उसने इतनी बड़ा एम्पायर खड़ा करके एक हिंदुस्तान के आम इंसान को दे रखा है। कामयाबी तो माय डियर फ्रेंड आपको ही लेनी पड़ेगी। गंगा बह रही है, पानी आपको पीने जाना पड़ेगा, गंगा आपके घर में नहीं आएगी। अब गंगा का कोई मुकाबला तो नहीं है पानी का, तो सेम चीज आपको भी ध्यान रखना है। वेस्टीज इंजीनियर सिस्टम आज से 15 साल पहले इस प्रोग्राम को बनाया गया, इस मैनेजमेंट ने बनाया और इसी से लोग करोड़ों रुपए कमाने पहुंच गए, लाखों लोग आज इस जिंदगी को बेहतर जी पा रहे हैं इसी प्लान से, और इसी प्लान में आपको काम करना पड़ेगा। ये आपकी चॉइस है, आप इसे बदलने की कोशिश ना करें, इसमें बहुत दम है। आपको सिस्टम के मुताबिक ढलना पड़ेगा, सिस्टम आपके मुताबिक कभी नहीं ढलेगा। आप अपने घर में एंटर करते हैं, आपके घर का दरवाजा छोटा हो या बड़ा हो, आप एक बार डिसाइड कर लेते हैं तो आपके हिसाब से रोज छोटा मोटा पतला नहीं होता, हाइट वेट आपका कम ज्यादा होता है, दरवाजे का कभी नहीं होता, आपके बेड का कभी नहीं होता, आपके घर का कभी नहीं होता। दिल से सोचिए आप कि इस सिस्टम ने अगर मुझे कामयाब बनाया है, इतने सारी लीडरशिप को कामयाब बनाया है, तो आपकी बारी है। सेल्फ बिलीव, इन सब का रोल मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा है, भगवान से भी बड़ा योगदान है, लेकिन इस कामयाबी में सबसे बड़ा योगदान मेरा है। अगर मैं इन पर बिलीव नहीं करता, सिस्टम पे बिलीव नहीं करता, अपनी टीम पे बिलीव नहीं करना, प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं करता, कंपनी पे बिलीव नहीं करता और अपने अंदर बिलीव नहीं करता कि मैं भी इस बिजनेस से क्राउन यूसीडी डीसीडी बनूंगा और बीएमडब्ल्यू खरीदूंगा, बड़ा घर खरीदूंगा, देश विदेश यात्रा मैं भी कर सकता हूं, तो क्या ये इनमें से सबके सब मिलके मुझे ये बना सकते हैं? नो। लेकिन गाड़ी की कीमत करोड़ों हो, जहाज की कीमत अरबों हो, लेकिन चलता हो पेट्रोल से, तो ये सारे अप्लाई ने सिस्टम पेट्रोल है, मैं तो जहाज हूं और जहाज बिना पेट्रोल के बेकार है। तो आपको भी इन सब का सम्मान करके आगे बढ़ना है और अपने जीवन में इनको आदर्श बनाना है। अगले 5 साल अगर आपने इनको
आदर्श बना लिया, तब आपको अगली कड़ी में आपको ये डिसाइड करना है व्हाई वेस्टीज एज ए करियर बिजनेस। करियर क्या रोज चुना जाता है? एक डॉक्टर बेचारा 7-8 साल बनने के लिए लगाता है, लाखों रुपए खर्च करता है, है? एक इंजीनियर लाखों रुपए खर्च करता है, छोटी मोटी नौकरी पाने के लिए तमाम कोर्सेज कई वर्ष लगाए जाते हैं। तो वेस्टीज बिजनेस को एज ए करियर चुनने के लिए, जहां पर आपको ना तो उम्र की सीमा है, ना गांव देहात की सीमा है, ना पैसे की सीमा है, कभी भी शुरू कर लो, तो इसको भी सीखना पड़ेगा। आइए डिफरेंस समझते हैं। मेरे कहने पे आपको वेस्टीज नहीं करना, मेरे कहने पे आपको इस बिजनेस में नहीं आना, ये डिसाइड आपको करना है कि आपको क्यों आना चाहिए। आप लॉकडाउन से पहले क्या काम करते थे? नौकरी करते थे, जी हाँ, नौकरी करने के बदले पैसे मिलते थे, सैलरी, समय संडे का मिलता था, सिक्योरिटी के नाम पे बिल्कुल नहीं, 22-23 तारीख को झगड़ा तब भी हुआ करता था, वर्क कब तक करना है, जिंदगी भर रोज जाना है 8 बजे, रात आना है 8 बजे, ये बात पता थी आपको, फिर भी आपने ये काम किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक छोटा अहंकार, छोटी बातें, कोई भी कारण हो सकता है, इस नौकरी को करने का मुझे नहीं पता, आपने अपनी मर्जी से किया या किसी से प्रेरित होकर किया। मैंने भी किसी प्रेरणा से नौकरी करी थी, लेकिन क्या किसी नौकरी वाले को भरपूर समय, भरपूर पैसा, सिक्योरिटी या लाइफ स्टाइल मिल पाई? आज लॉकडाउन में देख लो, पूरा जीवन काम करने के बजाय, करने के बाद भी 1.5 महीने में सारा बैंक बैलेंस खाली, सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो ये काम आपने किया था अपनी मर्जी से, किसी ने करवाया नहीं। कोई आप दुकान चलाते थे, पैसे के नाम पे आपको क्रेडिट डेबिट करने के लिए अकाउंट में होते थे कि इसका उधार चुकाना है, इससे उधार देना है, इसको लेना है, टाइम बिल्कुल नहीं था, सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं हुई, लाइफ टाइम काम करना था, सटर अप सटर डाउन, सारी दुकानें बंद थी, कितने पैसे आपको आ रहे थे अभी तक? चाहे कपड़े की दुकान हो, इलेक्ट्रॉनिक दुकान हो, जूते चप्पल की दुकान हो, किसी भी चीज़ की आपकी दुकान थी, 1.5 महीने में आपके पास कोई पैसा आया? जबकि आपने कई लाख रुपए लगा के सारा जीवन वहीं लगा दिया, सुबह से शाम तक, नो सिक्योरिटी, लाइफ टाइम अप एंड डाउन। प्रोफेशनल लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई आपका किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, तो क्या आपका काम, आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका कोई और व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या आप प्रोफेशनल बाय डिफॉल्ट बन गए? नहीं, आपने सीखा, पैसे खर्च करे, समय लगाया, फिर ये आपको प्रोफेशन मिला, फिर भी अनसिक्योर। जब जब आप काम करेंगे तब तब आपको मिलेगा, भगवान ना करे किसी को कुछ हो जाए। ये तो कोरोना ने पिक्चर दिखाई कि 1.5 महीने बैठने के बाद सब कुछ खत्म। 1 मिनट कल्पना करके देखिए, भगवान ना करे कुछ हो जाए, क्योंकि जो आया है हो जाएगा तो कौन होगा हमारे उन परिवार के लिए, कौन चलाएगा उनकी जीविका? क्या आपके हिस्से का काम वो कर पाएंगे? आपकी पत्नी कर पाएगी? नहीं। अब आता है एंटरप्रेन्योरशिप, लगाइए अरबों खरबों रुपए, लगाइए फैक्ट्री, इंडस्ट्री, बुलाइए 1,500 लोग आपके पास, उनको रोजगार दीजिए, आपकी वाहवाही करेंगे, पैर छुएंगे, आपको धन्यवाद भी देंगे। 1,000 लोगों को रोजगार देना बड़ा पुण्य का काम है। लगाइए अरबों रुपए, लगा दीजिए कोई फैक्ट्री साबुन तेल की, शैम्पू की, किसी भी चीज की, और 5 साल करिए एडवर्टीजमेंट, करिए सेल्स का काम, मार्केटिंग, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन फॉलो करिए, और एक दिन आपकी कंपनी चल जाएगी। 1,000 लोगों में से 500 लोग छुट्टी पे भी जाएंगे तब भी आपकी कंपनी चल रही होगी, 100 लोग छुट्टी करेंगे तो भी कंपनी चल रही होगी, जब आप देश विदेश जाएंगे तो भी कंपनी चल रही होगी, और आपके पास पैसा होगा, समय होगा, सिक्योरिटी होगी, लेकिन इसमें भी 5 से 10 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं होगा कुछ। अरबों रुपए लगा के 5 से 10 साल रात दिन एक करना पड़ेगा, खुद का एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, खुद की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, पहले दिन कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं बनता, तब जाके आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी मिलेगी। अब आप अपने आप से पूछिए, इतने दिन नौकरी करके क्या मिला, दुकान करके क्या मिला, प्रोफेशनली थे लेकिन जरा सा बंद होने पे हालत खराब, एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ में क्या आप जा सकते हैं? इनमें आपने 10-10 साल सीखने में लगाया, तो वेस्टीज बिजनेस को अगर आप 5 साल सीख लेते हैं, गर्मी सर्दी बरसात अप एंड डाउन ये कर लेते हैं, तो 5 साल के बाद ना बिजली का बिल भरना है, ना पानी का बिल भरना है, ना कोई फैक्ट्री लगानी है, ना किसी को सैलरी देना है, मजे से घर में पिकनिक मनाइए। इतना एंजॉय तो कंपनी के मालिक नहीं करते होंगे जितना वेस्टीज के क्राउन यूसीडी जो 3 से 5 लाख कमाने वाले लोग हैं वो घर में बैठ के कर रहे हैं। हेलो, और लोग कोई कंपनी खोलने को तैयार है, कोई कुछ करने को तैयार है, ये अपनी अपनी सोच है, अपना अपना निर्णय है, अपना अपना विषय है कि आपको मजा कैसे आता। लोड फ्री लाइफ जी जब इतना बढ़िया मौका मिला है, 5 साल काम कर लिया, मनी फ्रीडम हमारी तरह, टाइम फ्रीडम हमारी तरह, सिक्योरिटी हमारी तरह,
पांच साल बाद बची हुई जिंदगी स्वर्ग नुमा जियेंगे, लॉकडाउन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉकडाउन आप खुद ही करके रखोगे अपने आप को। कभी देश में, कभी विदेश में, कभी पहाड़ों में, कभी घर में, कोई टेंशन नहीं। पांच साल, लेकिन करना क्या? ये तो था क्यों, अब सवाल है कैसे करें। अगर आप क्यों क्लियर है तो कैसे पे आओगे, तो कैसे में आज मैं अपने आत्मबल की बात बता रहा हूं। सबसे पहला काम, अगर आप ये सोचते हो मैं कैसे करूं, मैं तो छोटा हूं, बड़ा हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, ये हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, गांव में रहता हूं, ये नहीं करना, भूल जाओ, कुछ मत करिए। सबसे पहले चूज योर रोल मॉडल। इस इंडस्ट्री में आते ही अपना एक रोल मॉडल चुनिए। वो आपका अपलाइन हो सकता है, डाउनलाइन हो सकता है, क्रॉस लाइन हो सकता है, इस इंडस्ट्री का कोई भी कामयाब व्यक्ति हो सकता है। उसकी तस्वीर लगाइए, उसकी नकल मारिए, उसके जैसे बोलने की कोशिश करिए, उसके जैसे चलने की कोशिश करिए, उसके जैसे बात करिए, कॉपी करिए। नकल मारने का बिजनेस है। अगर आप अपने बच्चे को सचिन तेंदुलकर बनाना चाहते हैं तो सचिन साहब थोड़ी आते हैं कोचिंग देने, उनकी फोटो लगाते हो, बच्चे को कहानी सुनाते हो, वीडियो दिखाते हो, बताते हो, देखो ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बैठ पकड़ते हैं। सेम चीज इस इंडस्ट्री में भी, एक कामयाब इंसान की तस्वीर लगाइए और उसके सारे गुणों को कॉपी करने की कोशिश करिए। उसकी तरह गाड़ी, उसकी तरह घर, उसकी तरह लाइफस्टाइल, उसकी तरह सब कुछ। फिर अपने आप से पूछिए, क्या उस वो व्यक्ति रातों रात कामयाब हो गया? सेकंड पॉइंट इज पेशेंस, धैर्य रखना। इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग कामयाब है माय डियर फ्रेंड, 10 साल 12 साल 5 साल 15 साल उन्होंने दिए हैं। कई बार गिरे, कई बार उठे, कई बार फेल हुए, कई बार चले, कई बार उन्होंने कोशिश करी, कई बार नाकाम हुए, पेशेंस रखा। और हम आप उनकी कामयाबी केवल देखते हैं, उनकी कामयाबी के पीछे छुपी सहनशीलता और धैर्य को भी देखना है। अगर आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो एक साल में करोड़पति बन गया और जिंदगी भर इंजॉय कर रहा है, तो आपको नहीं मिलेगा। दुनिया के हर फील्ड में जितने भी सफल लोग हैं वो कई बार विफल हुए, कई बार परेशानियों का मुकाबला उन्होंने किया है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प थे, लेकिन वो लोग जीत के लिए हमेशा डिटरमाइन थे। वो लोग जब भी फेल हुए उन्होंने एक ही चीज बोली कि अभी मुझे और सीखने की जरूरत है, मुझे और जरूरत है अभी समझने की, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सब करता हूं मेरा चेक ही नहीं आता, मैं बहुत कुछ करता हूं मेरी कोई सुनता ही नहीं। नो, उन्होंने अपने आप का, अपने दृढ़, 1 लाख का चेक लिखा तो 1 लाख के लिए उन्होंने रात दिन एक किया, अपने आप को अपग्रेड किया। एक कार लिखी कि मुझे एक छोटी कार लेके अपनी लाइफ में शुरुआत करनी है, तो उन्होंने उस कार तक पहुंचने के लिए कई बार फेलियर देखा, बट वो टिके रह गए और वहां तक पहुंच गए। आपको भी टिकना पड़ेगा। एक क्लास पास करने के लिए एक बच्चा एक क्लास एक साल लगाता है, एक किसान खेती काटने के लिए 4 से 5 महीने लगाता है, एक डॉक्टर 7-8 साल लगाता है बनने के लिए। तो यार आपको भी वो दृढ़ संकल्प अपने पास रखना है। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होना कामयाबी का एक सफल सूत्र। आशावादी होना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, उम्मीद से भरे रहना, उम्मीद से ये भरे रहना कि कोरोना की ऐसी की तैसी, कितने दिन टिकेगा, कोरोना जाएगा, मैं फेलियर नहीं होऊंगा, अब मैं सफल होऊंगा। मुझे पता था, पहले मुझे टाइम नहीं मिलता था, मैं कभी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, मुझे पता ही नहीं चला कि ट्रेनिंग का इतना महत्व है। कोरोना धन्यवाद कि तुम आए और मैंने जूम मीटिंग अटेंड करके समझा, इतने कामयाब लोगों से मिलने का बार बार मुझे मौका मिल रहा है और आम इंसान इतना कामयाब है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। थैंक यू सो मच। अब जब लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं एक न्यू यू व्यक्ति बन के निकलूंगा। जो भी आपका नाम है, अपना नाम खुद ले लीजिएगा। अब आप चिंता करिए या चिंतन करिए, आपके हाथ में। चिंता करिए, कोरोना की कोई जरूरत ही नहीं है। चिंतन करिए, कोरोना आपको ऐसे लगेगा एक वरदान। अपने अंदर वो चेंज लाइए जिसकी वजह से आप फेलियर थे, जिसकी वजह से आप निराशावादी थे, कुछ बदलाव लाइए और आगे बढ़िए। इन्वेस्टमेंट, स्पेंड ऑन योर सेल्फ, अपनी खोपड़ी पे खर्च करना चालू करिए। गरीब आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अमीर बनना चाहता है लेकिन एक भी रुपया खर्च नहीं करना चाहता। वो पिक्चर पे खर्च कर सकता है, वो दिखावे पे खर्च कर सकता है, वो झूठी चीजों पे खर्च कर सकता है, लेकिन वो किताब खरीदने पे खर्च नहीं कर सकता। एक किताब नहीं खरीद सकता वो एक सीडी वीडियो ऑडियो नहीं खरीदेगा। सेमिनार की टिकट लेने में आप हाथ आ जाएगी, ऐसे लगेगा पूरी विरासत टूट गई। करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। किताबें खरीदिए, ट्रेनिंग मीटिंग में जाइए, एडवांस जाइए, ये सब काम आपको करना है। लीव कंफर्ट जोन। जितने भी लोग अपनी जिंदगी में सफल है माय डियर फ्रेंड, इन लोगों ने कभी भी गर्मी सर्दी नहीं देखी, कभी भी रात दिन नहीं देखा,
कभी भी उतार चढ़ाव नहीं देखा, कभी भी लोगों का हंसी मजाक उड़ाना अपना नहीं देखा, ये काम करते रहे और अपने सपने की तरफ बढ़ते रहे। इनको भी तकलीफें हुई दोस्तों, वो दिन भी मुझे याद है जब साइकिल पे सफर करते थे, वो दिन भी मुझे याद है जब डीटीसी बस में खिड़की में से मुंडी बाहर निकाल लेते थे कि सांस आ जाए, और नीचे मोटरसाइकिल पे बैठे व्यक्ति को देख के लगता था काश हमारे पास भी एक मोटरसाइकिल या स्कूटर होता। वो जनरल बोगियों में धक्का खाना, वो बिना टिकट के यात्राएं करना, वो धर्मशालाओं में सोना, रात में कागज जला जला कर सर्दियां काटना, ये सब किया है। और मैंने अकेले नहीं किया, ये बहुत लोगों ने किया इस इंडस्ट्री में जो लोग सफल, और आप भी ये कर लेंगे कुछ भी पहाड़ नहीं टूट जाएगा। आपको ये करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आज की डेट में एक्सप्रेस वे तैयार है, कमाल की चीज। लोग कहा करते थे साबुन तेल बेचने का काम करते हो, इससे कुछ नहीं होगा। आज मैं आपसे कह रहा हूं यही काम हो रहा है और यही होगा। सब बंद था, 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापार है माय डियर फ्रेंड, कमाल हो सकता है लेकिन बेड पे लेट करके करोड़पति कैसे बनेंगे? नेटवर्क नहीं आता मेरे, कैसे काम चलेगा? बहाने बनाते हो दोस्तों। मैंने ऐसे लोगों को इस जूम मीटिंग को अटेंड करते देखा है, मैंने अपने ग्रुप की एक ट्रेनिंग करी बिहार और यूपी में, तीन बंदे पेड़ पे चढ़ के नेटवर्क के कारण पेड़ पे बैठ के ट्रेनिंग अटेंड कर रहे थे, उन्हें किसी ने कहा नहीं था। वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, इस विषम परिस्थिति में वो जाके वहां फंस गए जहां नेटवर्क नहीं आता, लेकिन उन्होंने नेटवर्क ढूंढा, उन्होंने बेड नहीं ढूंढा, उन्होंने बहाना नहीं ढूंढा। आपके घर में एक ही चीज रहेगी, या तो बहाना या कामयाबी। जब जब आप अनकंफर्टेबल होंगे तब तब आपके बैंक अकाउंट में कंफर्ट जमा होगा। कंफर्ट चाहिए तो अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। अभी हम मीटिंग कर रहे हैं ना सब लोग जूम पे बैठ के, ना करें, ये हमारा अनकंफर्ट है, इसलिए ये कंफर्ट। तो आपको जो चीज अभी मजा देती है ना, धूप में जाना अच्छा नहीं लगता, जाना पड़ेगा अगर एसी का आनंद लेना चाहते हो। पानी पीने का मजा लेना है तो प्यास तो लगानी पड़ेगी साहब, और प्यास लगती है मेहनत करने से, तब आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा। बड़े सपने, बड़े थॉट्स अपने लिए, अपने लोगों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, माँ बाप के लिए रखने पड़ेंगे। अब जितने अनकंफर्टेबल होंगे उतना कंफर्ट आपके अकाउंट में, आपके घर में, आपके समाज में जमा होगा, उतनी रिस्पेक्ट, मान सम्मान, ये आपका कंफर्ट है। जब आप कहीं से निकलो लोग बोले कि नमस्कार सर, जिंदगी हो तो आपकी तरह। जब आप गाड़ी में निकलो अपनी ऑडी में तो लोग ये बोले सर, लाइफ हो तो आपकी तरह। तब आप उस दिन का सोचिएगा जब डीटीसी बस में से मुंडी आप बाहर निकाल के झांकते थे, उनको क्या पता जब आप उनको ये बातें करते हो तो क्या कहते हैं, अभी आगे बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अपग्रेड योर सेल्फ। मां की पेट से इस दुनिया में कोई भी कुछ सीख कर नहीं आया, सब खाली हाथ प्लेन पेपर आए थे, सबने अपनी कहानी लिखी है। कोई डॉक्टर बना, कोई रिक्शे वाले बना, कोई इंजीनियर बना, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बना, कोई कंपनी का मालिक बना, कोई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बना, सबने यहां पर अपने आप को तैयार किया है। ये जूम मीटिंग करना एक महीने पहले हमें नहीं आती थी कि चलेगा कैसे, और ये जूम का ऐप ही कोई नहीं जानता था, क्या पैदा नहीं अभी हुआ है? नहीं, ये पहले भी था, लेकिन कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी। अभी आपने प्रीतम जी को देखा, उन्हें ढूंढने में मुझे कितना टाइम लग गया, लेकिन ढूंढ लिया, क्योंकि लगे रहे ढूंढने में। अगर वो बोलते अब नहीं मिलेंगे संतोष जी तो शायद ये मीटिंग ही नहीं होती, खो गए भीड़ भाड़ में। इसी प्रकार आप अपने आप को अपग्रेड करिए। आपको सीएनटी देना नहीं आता, सीखिए। आपको वीआईपी करना नहीं आता, सीखिए। आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, लीजिए। प्रोडक्ट कभी खा के देखा ही नहीं, अच्छा है खराब है खाइए। लोगों से कभी प्यार से बात नहीं करा, करके देखिए। थोड़ा ईगो अहंकार है, छोड़ के देखिए। लोगों से प्यार से बात करके देखिए, जमीन पे रह के देखिए। यार आपका लेवल कुछ भी हो, आप जमीन पे रह के देखिए, मजा तब आता है। हर चीज अपने अंदर अपग्रेड की जा सकती है। अरे जब ये मोबाइल फोन आपका 5 साल से एक ही नहीं है तो आप 5 साल से एक ही जैसे कैसे हो? इसमें सॉफ्टवेयर बदलवाते रहते हो, इसमें हार्डवेयर बदलवाते रहते हो, इसकी स्क्रीन बदलवाते रहते हो। जब इसका सॉफ्टवेयर पुराना हो जाता है तो आपका तो बहुत पुराना है। कितने साल पहले आपके अंदर ये सॉफ्टवेयर पड़ा था? इसको अपग्रेड कहाँ कराओगे? और करवा लो, आपके पास बड़े बड़े इंजीनियर हैं आपके अपलाइन के रूप में,
थोड़ी देर इनके पास जाया करो और महीने में एक बार अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करा लिया करो। जैसे ये बीच बीच में अपग्रेड मांगता रहता है तो अपग्रेड करते रहते हो, ऐसे ही अपने को भी अपग्रेड करो, जरूरत है इस चीज की। फॉलो द सिस्टम, तीन ही चीज इस लाइफ में इंपॉर्टेंट है, नंबर एक वाई वेस्टिंग, नंबर टू हाउ टू डू, नंबर थ्री फॉलो द सिस्टम। अब आपने जाना मैं वेस्टेज क्यों करूं, इसका कोई मुकाबला नहीं है। नंबर टू कैसे करूं, ये भी आपको पता लगा कि एक रोल मॉडल बनाइए और अपने अंदर ये इंप्लीमेंट करिए। थर्ड फॉलो द सिस्टम, सिस्टम क्या है, सिस्टम है पहले दिन आप 5% पे हो या 50 रुपए की इनकम है, कंटिन्यूअस वर्क विद कमिटमेंट 3 ईयर मिनिमम, 3 to 5 ईयर, 3 से 5 साल का कमिटमेंट पहले दिन लिखिए कि मैं एक पेड़ की भांति बनूंगा, 5 साल तक मुझे खाद पानी जो भी जरूरत है वो मैं लेता रहूंगा और अपने हिलूंगा नहीं अपनी जगह से, और ये मेरा ड्रीम है, ये मुझे कंप्लीट करना है, तब होते हैं ड्रीम कंप्लीट। आप 6 महीने काम करते हो, 1 साल काम करते हो, उसमें भी कुछ नहीं करते हो, फिर कहते हो मैंने बहुत कुछ किया और कुछ नहीं हुआ, ना हुआ था ना होगा। आपको क्या लगता है कोई कंपनी पैसा दे देगी, आपको क्या लगता है कोई अपलाइन पैसा दे देगा, कोई प्रोडक्ट पैसा देगा, कुछ नहीं देगा, सिस्टम देगा। दुनिया में हर जगह सिस्टम काम करता है, सिस्टम से काम करेंगे तो आप मान सम्मान इज्जत पैसा सब कमाएं। तो पहले दिन कमिटमेंट लिखिए कि 3 साल तक किसी भी हालत में, गरीबी हो अमीरी हो, पत्नी मना करे, पति मना करे, पड़ोसी मना करे, पापा मना करे, सपना अपना उनको सुना दीजिए और डटते रहिए, क्योंकि पापा के खाने से आपका पेट नहीं भरता और आपके खाने से पापा का नहीं भरता, और उनके कहने से आप क्राउन भी नहीं बन जाओगे और उनके कहने से आप फेल भी नहीं हो जाओगे, तो डट के करिए। लिस्ट बनाइए, टेल द प्लान टू एवरी वन यू नो, जिस दुनिया में आप जिस व्यक्ति को जानते हो, छोटे को बड़े को, अमीर को गरीब को, यूट्यूब पे फेसबुक को, एक भी आदमी बच के न जाए, आपकी ये ड्यूटी है। पर डे आप 2 से 5 लोगों को प्लान बताइए। अगर आप स्कूल डेली जाते हैं, सेट टारगेट करिए पर डे का काम, पर डे काम करना है आपको, पर डे 2 से 5 लोगों के लिए काम करिए, चाहे प्लान देना सीखिए, चाहे प्लान दिखाइए, कुछ भी करिए, लेकिन पर डे करिए। जब आप बच्चा स्कूल रोज जाता है, आप नौकरी पे रोज जाते हो, आप दुकान रोज खोलते हो, आप हर काम रोज करते हो, तो वेस्टीज को आप हफ्ते में 1 दिन क्यों करते हो, महीने में 1 दिन क्यों करते हो? अगर आप महीने और हफ्ते में 1 दिन करते हैं तो भूल जाइए, सॉरी टू से, आप कामयाब कभी नहीं होंगे। आपको रोज काम करना पड़ेगा तब जाके आपका 1 हफ्ता बहुत अच्छा निकलेगा, रोज काम करना पड़ेगा तब 1 महीना बहुत अच्छा निकलेगा, रोज काम करना पड़ेगा तो आपका साल बहुत कामयाब निकलेगा, और हर साल आप ग्रोथ करेंगे जब आप पर डे काम करेंगे। जब आप खाना पर डे खाते हैं मेरे भाई, 3 बार का सिस्टम है, 2 बार तो खाते ही हैं, तो आप काम भी करिए। जब आप 50,000 की नौकरी के लिए 1 दिन छुट्टी नहीं कर सकते अपने परिवार के लिए, तो करोड़ों रुपए कमाने के लिए आप बहाना किससे बनाते हैं? अपने आप से। आपको पर डे काम करना है। रीपरचेज एंड कंसिस्टेंसी ऑफर, ये बिजनेस है लीड बाय एग्जांपल। बस सिखाइए अपनी डाउनलाइन को कि आपको क्या करना है, आप वो काम करिए जो आप अपनी डाउनलाइन से काम कराना चाहते हैं। सबसे पहले अपनी रीपरचेज करिए, सबसे पहले अपना कंसिस्टेंसी ऑफर करिए और अपनी टीम को भेजिए कि मैंने कर लिया। मैं कह रहा हूं 90% काम आपका अपने आप हो जाएगा। लोग आपको देख के काम करते हैं, आपके बताए हुए गुणों से काम नहीं करते। मैंने बताया था दुनिया में हर इंसान के अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बहुत सारी आपके मुताबिक बुराइयां हो सकती हैं। आपको क्या लेना है, जिसके अंदर जो अच्छाई हो, जो क्वालिटी हो, आप वो ले लीजिए। सेम इसी चीज, आप जो बेहतर करेंगे वही काम आपकी टीम भी करेगी। फोकस ओनली योर ड्रीम, नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ओनली योर ड्रीम। आप अपने सपनों पर फोकस करिए, केवल छोटी मोटी समस्याएं आप तक आएंगी ही नहीं, और आएंगे भी तो हाथ जोड़ के चली जाएंगे, बोलेंगे साला पागल ही रहता है, 24 घंटे वेस्टीज, क्राउन, यूसीडी, डीसीडी, 1 लाख 5 लाख करता रहता है, इसके पास जाने का कोई फायदा नहीं। और हर कमजोर हिरन पे शेर शिकार करता है। कमजोर कौन? जो अपने बारे में नहीं जानता। कमजोर कौन? जिसके सपने कमजोर। कमजोर कौन? जो अपनी कंपनी के बारे में नहीं जानता। कमजोर कौन? जो अपने अपलाइन के बारे में नहीं जानता। कमजोर कौन? जो अपनी चीजों के बारे में नहीं जानता। उसको आप जानिए और अपने ड्रीम पर क्लियर रहिए कि मुझे ये पूरा करना है, और पूरा कर पाओगे। जब करोड़ों लोगों ने कर लिया तो कर पाएंगे। मोइन खान जैसा अनपढ़ आदमी, मनोज जी जैसा 7वीं पढ़ा बिजली वाला आदमी, हेयर ड्रेसिंग का काम करने वाले कुलदीप जी 8 लाख की इनकम 3.5 साल में, ऐसे टीम के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर पीसी डबरा, एक सेल्स का काम करने वाली अंजू जी 8 लाख का चेक,
बीपीओ में काम करने वाले लड़के 4-4 लाख का चेक, तमाम कहानियां है साहब, किसान गांव शहर ट्रेन में मिलने वाले लोग क्यों हो गए कामयाब, क्योंकि इनके पास बहाना नहीं था, इनके पास ड्रीम था, सेल्फ सफिशियंट, बी सेल्फ सफिशियंट, आत्मनिर्भर बनिए, आत्मबल से काम करिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में, नॉर्थ वेस्ट किसी भी क्षेत्र में आप कामयाब नहीं होंगे। आप अपने घर में रहते हैं, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं या पड़ोसी लेता है या चाचा मामा ताऊ लेता है, आपके बच्चों की, आपकी पत्नी की, आपके घर का किराया रेंट जो भी कर है सब आपकी है ना। सेम थिंग आपके नेटवर्क की जिम्मेदारी आपकी, आपकी टीम में प्लान कितने लोग दिखाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, कोई नहीं दिखा पाता तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आपका नेटवर्क, अपना, अपने घर परिवार समाज देश हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने कंधों पर लेनी है। क्यों? क्योंकि जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी कामयाब लीडर हैं, वो सब के सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, खुद सीखते हैं और अपनी टीम को सिखाते हैं। ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। लेकिन डुप्लीकेट कब करोगे? जो चीजें आपने सीखी डायरी में नोट करो पहली चीज, और नोट करके बंद करके रख दो दूसरी चीज, तीसरी चीज उसे खोलो और रोज प्रैक्टिस करो। इसको कहते हैं एक्शन करना, इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंट में कई बार फेल होते हैं। नमस्कार सर, सो जाइए, बस की नहीं है तो सपने मत देखिए। नेक्स्ट पॉइंट कमाल की है, पूरी दुनिया में कामयाब लोगों की यही एक लाइन है जिसने उन्हें कामयाब बनाया, लीव द वर्ड्स ऑफ अदर्स। जिस दिन आप फालतू के वर्ड सुनने बंद कर देंगे इन कानों में, उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था, फिर से बता दूं, दो लोगों की बात जिंदगी में सुननी है, एक वो जो बहुत सफल है, एक वो जिन्होंने सफलता की बहुत कोशिश करी बट वो विफल। ये दोनों ही आपको कामयाबी के गुण बताएंगे। सफल होने वाला आपको अप्रिशिएट करेगा और बताएगा ऐसे ऐसे करना है, असफल होने वाला आपको ये बता देगा बेटा ये काम मत करना वरना फेल हो जाओ। ये बीच के जितने हैं किसी काम के नहीं है, और हम जितने लोग हैं ये बीच वाले हैं, ना ऊपर वाले हैं ना नीचे वाले, बीच वाले हैं, और ये कहीं के नहीं होते, आपको पता होगा, और मैं इनके बारे में भी अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो एक चीज ध्यान रखना, हाथी चलता है, भोगने वाले भोगते रहते हैं। आज के बाद एक गुण अपने अंदर डाल लेना, लीव द अदर वो अदर, आपके बारे में लोग क्या कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सपना है, आप चल रहे हो, आप कामयाब होना चाहते हो, आप चल रहे हो, आप फेल हुए हो क्योंकि आप सीख रहे हो, आप गिरे हो क्योंकि आप दौड़ रहे हो। वो थोड़ी गिरा यार जो दौड़ा ही नहीं, वो थोड़ी फेल हुआ जिसने एग्जाम ही नहीं दिया। आज के बाद कामयाब लोगों की बात सुननी है बस। अंत में एक चीज और कहूंगा, बिल्कुल अंत में दोस्तों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं बिल्कुल कमर सीधी कर लो, ये बात मैं कह रहा हूं आपको सुननी, समझनी और इंप्लीमेंट करनी। सबसे पहले जैसे असेसमेंट किया जाता है आपके फाइनेंशियल ईयर का, आपका असेसमेंट होता है कि आपने क्या खोया, क्या पाया, क्या क्रेडिट, क्या डेबिट, ऐसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपना असेसमेंट करिए अपने पिछले जीवन का, इस लॉकडाउन से पहले का असेसमेंट करिए। आपको किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, करिए असेसमेंट। आप अपनी मर्जी के मालिक थे, जो करना था आपने किया, उस असेसमेंट को करके आप सोचिए अपने आप से, क्या पाया आज आपने, क्या आप सुखी हैं, क्या आपके पास वो कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप पसंद करते थे। अरे जो गरीब है उसको तो कोई दिक्कत नहीं, हो तो गरीब है, रिक्शा चलाता था, बात खत्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीच वालों की है, मिडिल क्लास। ये झूठे ईगो, झूठे अहंकार में स्टेटस सिंबल बना करके हर चीज जीवन में उधार करते हैं। उधार, क्रेडिट कार्ड का बिल, घर इनका लोन पे, गाड़ी इनकी लोन पे, बच्चे को जबरदस्ती एक प्राइवेट स्कूल में भर्ती करने के लिए एजुकेशन लोन ले रखा है, दुनिया की सांसें भी किस्तों पे चल रही हैं, और फिर भी ईगो यहां पर। करिए अपना असेसमेंट, पता चल जाएगा कि आज हम ऐसे क्यों हैं। क्यों? क्योंकि हम झूठा दिखावा करना चाहते थे, झूठे बोल बोलते थे, दूसरे के आगे अपना स्टेटस दिखाने के लिए हर चीज कर्जे पे है। किसने कहा था जीवन में तरक्की करना है तो दो चीज अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए साहब, अपनी कमाई से अधिक कर्ज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अपनी कमाई का मजा लेना चाहिए,
और उसको बढ़ाइए अपने कमाई के आधार पर। आप गाड़ी खरीदी, आपको ऑडी खरीदने की जरूरत तब है जब आपका चेक साइज 4 लाख से ऊपर हो। आप 1 लाख 2 लाख पे ऑडी क्यों खरीदते हैं, किसने कहा खरीदने की? आप दाल रोटी खाते साहब, आप किसी को ब्लेम मत करिए। आपको लगता था काम ना करना पड़े, दुनिया को दिखा दूंगा मैं ऑडी अचीवर हूं इसलिए मैं कामयाब हो जाऊंगा। ऑडी देख के कामयाबी होती तो लोग सभी ऑडी खरीद लेते। काम करने से सब कुछ होता है। इनकम का मेरा मतलब, इसका कहने का मेरा मतलब है आप इनकम के हिसाब से अपनी चीजों को, ड्रीम को आगे बढ़ाते रहिए। असेसमेंट करना जरूरी है कि अगर आपने इतने समय तक काम किया और आपको कुछ अचीव नहीं हुआ तो अब इस लॉकडाउन में अपने आप को प्रिपेयर करिए कि आने वाले टाइम में आप बहुत बेहतर बनेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। और स्टेटस सिंबल जिंदगी में झूठा दिखावा ना करके सच दिखावा करिए ना यार। अच्छे घर में रहिए, अच्छी गाड़ी में चलिए, लोन फ्री लाइफ जिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैंक बैलेंस बनाइए, अपनी भी मदद करिए, लोगों की भी मदद करिए, जितना यथासंभव हो सके इस लायक बनाइए अपने आप। ये मौका है आपके पास, ये आप ही को क्यों कह रहे हैं, सबको नहीं कह सकते क्योंकि आप इस मीटिंग में बैठे हो। अब आप ये नहीं कह सकते मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, कभी मुझे मौका नहीं मिला, लॉकडाउन होने से जीवन बर्बाद हो गया। लॉकडाउन होने से कितनों का जीवन आबाद हो गया, इतने लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड करके, जिनको ट्रेनिंग का महत्व तो नहीं पता था, अब पता चला कि अच्छी संगत का क्या मतलब होता है, राइट एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है। और दोस्तों जितना काम हमने लॉकडाउन से पहले नहीं किया था, सच में इस 1.5 महीने में उससे कई गुना ज्यादा लोगों में एक्साइटमेंट रहा। वेस्टीज के अलावा मैं आपको लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूं, जो लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे, मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा जो पहली बार यहां पे देख रहे हो, दोस्तों 5 साल 10 साल 15 साल पहले भी कोई आपके पास नेटवर्किंग लेके आया होगा, तब आपने किस भी कारण मना किया हो, लेकिन आज मना मत करना क्योंकि 21वीं सदी का सबसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस है।